पारस आपको एक बार फिर से शोक संवेदना जताते हुए ये कहते हुए कि आपके पिता राकेश पंडिता जी की शहादत पर हमें गर्व है और ये सिर्फ राकेश पंडिता की हत्या नहीं है, देश की डेमोक्रेसी की हत्या है। आप क्या कहना चाहेंगे बैठे हुए पाकिस्तान के पैनलिस्ट से, क्या कहना चाहेंगे पारस जी? मेरे पापा जो है उनको मालूम था कि वहाँ खतरा है, फिर भी उनका डेवलपमेंट के लिए गए थे उत्तराल, जैसे जहाँ पर टेररिस्ट भरा इलाका है, फिर भी वहाँ डेवलपमेंट के लिए गए थे, भाईचारे के लिए गए थे, उनको मारा गया है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि पहले तो मेरे पापा की हत्या के पीछे जो लोग हैं जिम्मेवार है उन इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिली जाए, और जो लोग वहाँ पर डेवलप जो लोग मेरे पापा की तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन, उनको सिक्योरिटी मिले। बिल्कुल पारस, आपकी ये मांग बिल्कुल जायज है और मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्दी ये कदम उठाएगी। लेकिन पारस, ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 1990 में ज़्यादातर कश्मीरी पंडित चले गए, आपने और आपके परिवार ने त्राल नहीं छोड़ा, क्या कारण था, क्या सोचकर रुके आप त्राल में, जबकि आपको पता था वहाँ कदम कदम पर मौत है? जी, मेरे पापा का जो त्राल था वो होम टाउन था, काफ़ी लगाव था उस जगह से, तो उनको कहीं लगता होगा कि अगर वहाँ पर वापस जा सके तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लगाव था उस जगह से पापा को, तो काफ़ी मुझे एक दो बार लेके भी मेरे को भी गए थे वहाँ, उन्होंने बताया था यहाँ पर हम रहते हैं, तो उनकी बातों से लगता था कि काफ़ी उनको प्यारी जगह है त्राल, तो मेरे को लगता है इसीलिए वो गए थे वहाँ, मालूम था जब उनको खतरा है फिर भी वहाँ गए थे। पारस, क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानी पैनलिस्ट से जो बैठे हुए हैं और पाकिस्तान जो छुपकर हमला करता है, जो कायराना हरकत करता है, भारत में लोकतंत्र की हत्या करवा रहा है राकेश पंडिता के तौर पर? मैं कहूंगा ये सिर्फ राकेश पंडिता पर नहीं, भारत पर हमला है, भारत के लोकतंत्र पर हमला है। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के इन पैनलिस्टों से? जी, वो जो मेरे पापा को मारा वो इंडिविजुअली नहीं मारा गया, पूरे इंडिया को टारगेट किया गया है, क्योंकि उन्होंने तिरंगा उठाने के लिए उनको मारा गया है, क्योंकि देखिए नेशनलिस्ट वो जो कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो चाहते हैं कि हम ना जाए, और जो टेररिस्ट हैं मेरे पापा निहत्ते थे, तीन लोग मारने आए थे उनको, तीन आर्म्ड लोग मारने आए थे, वो बुजदिल हैं जो मारने आए थे एक निहत्ते आदमी को।